अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय किचन। चलें आज आपके साथ मैं शेयर करती हूँ चिकन और आलू के कटलेट्स की बहुत ही सिंपल सी रेसिपी, जो बिल्कुल फटाफट से बन जाएगी और आपको पसंद भी आएगी। चलें स्टार्ट करते हैं रेसिपी। बोनलेस चिकन हम लेंगे 300 ग्राम्स और इसको अच्छे से वॉश करके रखिएगा। और अब इसमें हम मैरिनेशन के लिए स्पाइसेस ऐड करेंगे। सॉल्ट डालें 1 टीस्पून, टिक्का मसाला 2 टेबलस्पून, जिंजर गार्लिक पेस्ट हम लेंगे 1 टेबलस्पून, विनेगर 1 टेबलस्पून। इसको अच्छी तरह मिक्स करें स्पाइसेस के साथ और आधे घंटे के लिए आप छोड़ दें इसको मैरिनेशन के लिए। आधे घंटे के बाद आपने 2 टेबलस्पून ऑयल लेना है पैन में और जो ये चिकन हमने मैरिनेट करके रखी थी इसमें आप रखें। और 2 मिनट्स के लिए आपने इसको मीडियम फ्लेम पर कुक करना है। थोड़ा सा फ्राई हो जाए तो अब आपने इसमें 1/2 कप वाटर ऐड कर देना है। तो इसको 5 मिनट के लिए ढक कर आपने कुक होने के लिए पकाना है। 5 मिनट में चिकन आराम से गल जाएगी। चिकन निकालने के बाद आपने इसको श्रेड करना है और हाथों की मदद से या फोक की मदद से जैसे भी हो आपने इसको बारीक बारीक श्रेड कर देना है। इसको हम एक साइड पे रखते हैं और इसके बाद 2 बॉइल्ड आलू हैं हमारे पास जिसको कि हम अच्छी तरह से मैश कर देते हैं। आलू को हमेशा गर्म गर्म ही मैश किया करें वरना बाद में वो इतना आसानी से मैश नहीं होता। अब इसको इस श्रेडेड चिकन के अंदर हम डाल देंगे और थोड़े से हमने इसमें और स्पाइसेस ऐड करने हैं। 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे इसमें हम, 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। 2 चम्मच हम इसमें हरा धनिया के ऐड करेंगे और 2 हरी मिर्चें हम छोटी छोटी चॉप करके आप इसमें ऐड करते हैं। अब 2 ब्रेड मैंने सोक करके रखे हुए थे उसको भी आपने इसमें ऐड कर देना है। अच्छी तरह भिगो के इसका पानी निचोड़ के फिर आपने इसके अंदर डालना है। अब इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर दें आपस में। 2 से 4 मिनट तक आप इसको मिक्स करते रहें ताकि बहुत अच्छी तरह से ये मिक्सचर वेल कम्बाइंड हो जाए। अब आपने एक एक कबाब बनाना है और इसको आपने अंडे में डिप करना है और इसके बाद आपने इसके सिंपल कबाब्स बना लेने हैं। इसके मैं ब्रेड स्लाइसेस यूज़ नहीं करूँगी और आप चाहें तो कर सकते हैं लेकिन मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। आपकी मर्ज़ी है, जिस भी साइज़ के कबाब्स बना लीजिए और आपने बस इसको कबाब बना के रख दीजिए और उसके बाद हम इसका फ्राई करेंगे। तेल को गरम करें, ठंडे तेल में नहीं डालना। और इसके बाद आपने मीडियम टेम्परेचर पे इसको कुक करना है और जब तक गोल्डन ब्राउन हो जाए आप कबाब बना लीजिए। हमारे मज़ेदार से रेशा कबाब तैयार हो चुके हैं। उम्मीद है आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।